कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में सरकार बनाने के फाइनल फॉर्मूले पर बात होगी। आपको बता दें कि आज सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता को आज नहीं चुना जाएगा। विधायक की संख्या के अनुसार मंत्रियों के पद का बंटवारा होगा। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर स्थितियां लगातार साफ होती नजर आ रही हैं। किस तरीके से मंत्रालय बांटे जाएंगे इसको लेकर भी स्थितियां साफ होती नजर आ रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले न्यूज नेशन पर, शिवसेना विधायकों को आज जयपुर लाया जा सकता है। जयपुर के पास दरअसल में कुंडा में एक होटल है जिसमें कमरे बुक किए गए हैं। 5 दिन से ज्यादा के लिए इस होटल में कमरे बुक कराए गए हैं। चार्टर प्लेन से देर शाम तक विधायकों के जयपुर आने की संभावना है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों को इसी होटल में ठहराया गया था जहां पर अब एक बार फिर कमरों की बुकिंग की गई है। तो लगातार पल पल महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रही हैं। जिस होटल में पहले कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया था, उसी होटल में शिवसेना के विधायकों को ठहराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हों, इसको लेकर मीटिंग में शिवसैनिकों ने अपनी बात कही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह फैसला विधायकों पर ही छोड़ दिया है। वहीं एक अहम खबर जो एनसीपी की तरफ से है, वो लगातार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। कांग्रेस की बैठक हुई है और अब सहमति इस बात पर कि कैसे मंत्रालयों का बंटवारा हो। और हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ विधायक अजय चौधरी। अजय जी, हमें बताइए कि शिवसेना की इस विधायकों की मीटिंग में क्या मांग हुई? नहीं, जो बातें चल रही हैं, जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में आदरणीय उद्धव जी ने सभी बातें बताई। बहुत पॉजिटिव बातें चल रही हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में महाराष्ट्र में सरकार स्थापन होगी और सीएम शिवसेना का होगा, ये तय है, उतना उन्होंने बताया। विधायकों की मांग क्या थी? विधायकों की मांग यही है कि आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख इस महाराष्ट्र का नेतृत्व करें। और अभी जो है विधायक कहाँ कहाँ पे जाएंगे? नहीं, यही है, मुंबई में ही है विधायक, कहीं भी नहीं। कुछ तय हुआ कि राज्यपाल को कब मिलेंगे? एक दो दिन में शायद साहब जो तय करेंगे, ये महागाड़ी के लोग तय करेंगे, वो तब वैसे होगा। धन्यवाद न्यूज जंक्शन से बात करने के लिए। तो शिवसेना के विधायकों की मांग यही है कि उद्धव ठाकरे यही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, साथ ही साथ पंकज मिश्रा भी हमारे सहयोगी। सुभाष, आप लगातार शिवसेना के विधायकों से बात कर रहे हैं, हर किसी की मांग यही कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, आदित्य ठाकरे किस भूमिका में नजर आएंगे, क्या इसको लेकर कोई स्थिति साफ हो पा रही है? अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर है आदित्य ठाकरे को थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा और पार्टी का जो संगठन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से जो हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मांग की है उद्धव ठाकरे से कि वही इस जो महागठबंधन है उसके मुखिया रहें, क्योंकि उससे शिवसेना का कुनबा भी इकट्ठा रहेगा और बाकी दो जो बड़ी पार्टी हैं उनमें भी एक तरह से तालमेल रहेगा। तो ये मांग जरूर है। और मैं अभी अभी आपको अनुराग बताऊं कि वर्ली में नेहरू सेंटर नाम की एक जगह है जहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के शीर्ष नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई। शरद पवार वहाँ पर पहुँचे, संजय राउत भी पहुँचे वहाँ पर, और कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे भी यहाँ से, मैं जहाँ पे हूँ मातोश्री में, वहाँ से वो निकल के वहाँ चले जाएंगे। तो ये जो मीटिंग है उसमें जो तालमेल है टोटल मंत्री मंत्रालयों का, जो एक दूसरे को जो बांटना है उसको, इसके बारे में साफ फैसला होगा। बिल्कुल, तो ये बैठक खासी महत्वपूर्ण है। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या मंत्रालयों को लेकर एक मोटे तौर पर बात सामने आ पाई है? क्या शुरुआत में गृह मंत्रालय किसके पास होगा, वित्त मंत्रालय किसके पास होगा, कोई उप मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, किस पार्टी के पास कुल कितने मंत्रालय रहेंगे? देखिए, 15, 15 और 12 का फॉर्मूला सेट किया गया है। जिनके पास जितने एमएलए हैं उनको उतने मंत्रालय दिए जाएंगे। और जो अब तक जो अनुमान सामने आया है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, उसके अनुसार शिवसेना को 15 मंत्री पद मिल सकते हैं, एनसीपी को 15 मंत्री पद मिल सकते हैं और कांग्रेस के हिस्से में 12 मंत्रालय आ सकते हैं। शिवसेना के हिस्से में मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को दिया जाएगा, जबकि ये कहा जा रहा है कि दो मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री दो होंगे, एक एनसीपी
बीजेपी को मिलेगा और एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। तो अभी तक इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता इस तरह के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उनको नकारते हुए कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, जल्दी हम मीडिया से बात करेंगे और आपको बताएंगे आप। और इसके अलावा अगर बात करूं तो एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से आज पूरे दिन उनकी बैठक चल रही थी तो लगातार मैं उस पर नजर रख रहा था और एनसीपी कांग्रेस ने आज अपने जो तमाम दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठक की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया और उन्हें समझाया गया कि शिवसेना के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनकी सहमति ली गई। तो अलग अलग जो सहयोगी दल हैं उनके विचार मांगे गए हैं और आने वाले दिनों में जब सभी सहयोगी दल के विचार सामने आएंगे उसके बाद आज जिस तरह से बैठक की जा रही है तीनों पार्टियों के बीच तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की सहमति के साथ आगे सरकार गठन की तरफ ये तीनों पार्टियां जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा, सुभाष शिरके।